तो गाइस, तो मैं स्मार्टी पाई को लेकर दूसरे बेस पे पहुंचने वाला हूं, और हमारा दूसरा बेस आसपास पे ही है, तो चलो निकलते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि इस रिवर के उस पार ही हमारा दूसरा बेस है, और वो एक गांव के पास में बनने वाला है। सो वो देखो, मेरे को तो स्पॉट दिख गया जहाँ पे मेरे को अपना हेलीकॉप्टर लैंड कराना है। सो अभी मेरे को थोड़ा नीचे आना चाहिए। आई गेस सारे लोग पहुँच चुके हैं। हाँ, कमांडर ने मुझे बताया था कि सारे लोग को ले के आ चुका है यहाँ पे। अभी मुझे बस स्मार्टी पाई को यहाँ पे अच्छे से लैंड करा देना है। यस, लैंड हो जा। हाँ, तो मैंने स्मार्टी पाई को सेफली लैंड करा दिया यहाँ पे। हाँ गाइस, तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे कपड़े चेंज क्यों हो गए, तो मैं बता दूँ, अभी स्क्विड गेम का ट्रेंड वगैरह चल रहा है, तो मैंने भी स्क्विड गेम के कपड़े पहन लिए हैं। असल में तो मैं स्किन बदलना ही भूल गया पिछले वीडियो बनाने के बाद। हाँ तो गाइस, मैंने स्किन बदल लिया था, यही मैंने कहा। तो यहाँ पे स्मार्टी पाई आ चुके हैं, इनको भी मैंने लैंड करा दिया। तो स्मार्टी पाई को मैंने रिलीज कर दिया, वो देखो वहाँ पे जा चुके बाकी लोगों के साथ। और मैं बाकी यूट्यूबर से भी मिला देता हूँ आपको। तो ये देखो, यहाँ पे अल्बिडो भाई भी पहुँच चुके हैं। हेलो अल्बिडो भाई, कैसे हो? सब बढ़िया? देखो ये हाँ बोल रहे हैं, और बाकी के यूट्यूबर्स भी यहीं कहीं होंगे, मैं मिला देता हूँ। वो देखो वहाँ पे बिक्सू खड़ा है। बिक्सू अकेले में क्या मंगल गा रहा है? अकेला हूँ और खुश हूँ, अब नहीं है किसी की भी जरूरत। हेलो बिक्सू, व्हाट्सअप? तो देखो यहाँ पे मिकपैट है। मिकपैट भाई, कैसे हो? तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में। अच्छे हो? इनका स्किन लेकिन मुझे मस्त लगता है, मिकपैट भाई का बढ़िया है। सो अपने टेक्नो भाई भी यहीं कहीं होंगे, रुक जाओ, उनको भी मिला देता हूँ आपसे। आप उन्हीं का वेट कर रहे होगे। भाई ये बिक्सू तो जादूगर निकला, अभी वहां पे था, अचानक से यहाँ कैसे आ सकता है ये? अभी टेक्नो भाई से कैसे मिलाऊं आपको मैं, रुक जाओ दिखाता हूँ मैं टेक्नो भाई को। Meanwhile, गाइस ये देखो टेक्नो भाई तो नहीं मिले, बट ये देखो यहाँ पे एंड्रू भी खड़ा है। हेलो एंड्रू भी, यहाँ क्या कर रहे है? गांव वालों के साथ जाना, इधर क्या कर रहे तू? आजा मेरे साथ आ। वैसे ये ट्रेड में हथियार वगैरह देता है, मस्त। अगर मुझे मॉन्स्टर से लड़ाई करना पड़े तो मैं इससे हथियार ले लूंगा सारे, बढ़िया है। सो गाइस, अभी मैं आपको अपने गाँव का टूर दे देता हूँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से। चलो चलो यहाँ से अपना कोई हेलीकॉप्टर उठाते हैं और इस अपने गाँव का टूर दे देता हूँ। कौन सा हेलीकॉप्टर लूँ? ये वाला। इस हेलीकॉप्टर में मैं किस यूट्यूबर को बैठाने वाला हूँ? किसको बैठाऊँ? एंड्रू भी को बैठाते हैं, वहाँ पे एंड्रू भी है। ओके, आजा एंड्रू भी, बैठ जा। ओके। हाँ तो गाइस, यहाँ पे मैंने एंड्रू भी को बैठा दिया है। चलो अभी अपने गांव का टूर दे देता हूँ आपको, लेट्स गो। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एरोप्लेन का बेस बना रहा हूँ मैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वो प्लेन जो रखा हुआ है ना, रुक जाओ दिखाता हूँ अच्छे से, वो जो प्लेन रखा हुआ है उसका काम भी चल रहा है। अभी थोड़े दिन में शायद एयरपोर्ट और उस प्लेन का काम खत्म हो जाएगा, तब हमारा एयरलाइन भी चालू हो जाएगा इस गाँव के थ्रू। और ये देखो, मेरे गाँव में ज़्यादा घर नहीं है, गिन के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घर है हमारे गाँव में। सो बस इतना बड़ा गाँव ही है अभी फिलहाल के लिए, और इस गांव को मैं बहुत बड़ा बनाने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड। और हमारे गांव के आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली है, देखो हर तरफ हरे भरे पेड़ है, और इधर पेड़ का बहुत गुच्छा बना हुआ है, इधर नीचे भी है, साइड में भी है, और हमारा गांव जो है वो ओपन एरिया में थोड़ा बहुत। हाँ तो गाइस, एंड्रू भी उतरने को बोल रहा था, तो मैं उसको यहाँ पे उतार चुका हूँ। अभी अपने प्लेन को मैं पार कर देता हूँ, वैसे ये हेलीकॉप्टर है, अपना लैंडिंग स्पॉट पे इसको पार्क कर देते हैं पहले। और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत खाना खाने, इतनी दूर से प्लेन चला के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ तो गाइस, प्लेन मैंने लैंड कर दिया, चलो चलते, बहुत भूख लगी है मुझे। आई गेस गांव वालों ने मेरे लिए कुछ रखा होगा। ये देखो गाँव वाले हैं, कुछ रखा है क्या मेरे लिए खाने के लिए? हेलो गाँव वालों, कुछ रखा है मेरे लिए? नहीं। ये चोमू क्या खाना देगा? चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ, इन घरों में कुछ होना चाहिए। इसी घर में चेक करते हैं, बेड है, एक चेस्ट है यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे ब्रेड वगैरह रखे गए हैं मेरे लिए, और एप्पल वगैरह भी है, इन सबको इग्नोर करो। ओके। हाँ तो गाइस चलो, मेरे को बहुत भूख लगी है, अभी मैं खाना खा लेता हूँ। ओ, इतनी देर बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, इतना भूख लगा था ना, 2 दिनों से मैं भूखा था, वैसे अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पा रहा था। और पहली वाली वीडियो में मुझे इतनी गन फाइट लेनी पड़ी कि मैं खाना खाना बिल्कुल भूल ही गया था, और अभी मैं जम के खाना खाने वाला हूँ। कब इस वर्ल्ड में जंग छिड़ जाए कोई गारंटी नहीं है, तो खा ले जितना खा सकता है तू। हाँ तो गाइस, मैं बहुत खा चुका हूँ, पेट भर गया मेरा, अभी आपको अपना एयरबेस दिखा देता हूँ, लेट्स गो।
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन, वैसे मैंने ही लिखा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इसको और लंबा किया जाएगा आई गेस। और यहाँ पे देखो हमारे प्लेन का मरम्मत चल रहा है, ये अभी रेडी नहीं है प्लेन, थोड़े दिनों बाद शायद रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है ऑथराइज्ड एंट्री ओनली, मतलब मेरे अलावा कुछ कुछ यूट्यूबर्स ही यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और किसी का एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो चलो अभी आगे चलते हैं। ये घर अकेले में क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ खजाना तो नहीं है, देखते हैं। नहीं, इसमें बस एक बेड है। चलो कोई यूट्यूबर सोता होगा इसके अंदर, नेवर माइंड, शायद मिडपैट सोता होगा यहाँ अकेले में, इधर पे ही खड़ा रहता है वो हमेशा। सो गाइस यहाँ पे देखो हमारे टेक्नो भाई चुकंदर से बात कर रहे थे। हेलो टेक्नो भाई, आपको मैं कब से खोज रहा हूँ, आप मिल ही नहीं रहे थे, बताओ कहाँ छुपे हुए थे। मैं नहीं बताऊंगा, इंट्रो में तो आप मिले नहीं बट आउट्रो के पास आते आते आप मिल गए। हेलो हेलो टेक्नो भाई, कैसे हो? ठीक है। हाँ गाइज, यही वो कमांडर है जिसने सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे लेके आया, और मैं बस स्मार्टीपाई को लेके आया था, बाकी सारा काम ज्यादातर इस कमांडर ने किया है। सो इस कमांडर को बहुत बहुत शुक्रिया ये सब काम करने के लिए। सो गाइज अभी बहुत जोर से बारिश होने लगी है, तो अभी हम लोगों को सोना पड़ेगा। चलो किसी घर को खोजते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पे मिडपैट भाई सो रहे हैं, यहाँ पे टेक्नो भाई पहले से लेटे हुए, तीन लोग इंतजार में। मतलब हमारा जो गांव है ना, यहाँ पे बेड की बहुत कमी है। वैसे ये छोटा मोटा गांव था और हमारे कमांडर भाई जो है सारे यूट्यूबर्स को लेके इसी गांव में आ चुके हैं, और स्मार्टीपाई को भी लेके मैं यहीं पे आ गया था। तो बेड की बहुत कमी है, तो मुझे लगता है ना मुझे एक बड़ा सा घर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारे यूट्यूबर चैन से सो पाए और विलेजर्स को भी परेशानी ना हो। यहाँ पे देखो एक बेड पे तीन तीन लोग सो रहे, कितनी बुरी बात है। और मैं सो भी नहीं सकता, मेरे को पूरी रात जा के काटनी पड़ेगी क्योंकि इतने कम बेड है, बस चार पांच घर है, वैसे नौ थे, और विलेजर्स भी हैं यहाँ पे और यूट्यूबर्स लोग भी हैं, तो सोने का बहुत कम जगह है। सो अभी मैं सोने नहीं वाला, ये जो मॉब्स वगैरह हैं जो हमारे विलेजर्स और यूट्यूबर्स पे अटैक करेंगे उनको बस रोकूंगा मैं, बस यही काम है मेरा आज रात का। हाँ तो गाइज अभी सुबह हो गई है और सारे यूट्यूबर्स और गाँव वाले घर के बाहर आ चुके सो के उठ के। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड बेस। हाँ गाइज ये हमारा सेकंड बेस है, पहला बेस हमारा लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था और सारे यूट्यूबर्स भी है वो बस मरने ही वाले थे। मैं और कमांडर मिलके सारे लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं, वैसे ज़्यादातर मदद कमांडर ने की थी बट कोई नहीं, हम दोनों ने मिलके ये मदद किया है और सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे लेके आए हैं। और ये देखो यहाँ ये फ़ोन बूथ है, यहाँ पे अभी फ़ोन इंस्टॉल हुआ नहीं है बट कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे एक लैंडलाइन इंस्टॉल कर देंगे जिससे कोई भी यूट्यूबर या गांव वाला चाहे तो किसी को भी फ़ोन लगा सकता है, या फिर हम एक दूसरे गांव को कनेक्ट कर सकते हैं इस लैंडलाइन के जरिए। सो ये बढ़िया बात है। हेलो स्मार्टीफाई, कुछ खाना पीना खाया क्या, इतने दिनों से आप ट्रैवल करके आए हो? नहीं खाया तो ये लो मैं आपको ब्रेड दे देता हूँ, खा लो, आपको भी भूख लगी होगी, इतने दिन से आ रहे हो हेलीकॉप्टर में मेरे साथ। लो स्मार्टीफाई, इग्नोर क्यों करते हो, लो ना ब्रेड, लो ना, इनको मैंने इतने ब्रेड दिए ले नहीं। हाँ तो स्मार्टीपाई ले चुके ब्रेड, आई गेस से खा लेंगे, और लोगे तो ले लो, ले लो ले लो, मुफ्त का है, खा लो एकदम पेट भर लो। व्हाट, ओए चोमू बंद करने देना, ये चोमू को ना बहुत मारूंगा मैं। हाँ तो गाइज अब टाइम आ चुका है आउट्रो बनाने का, और ये है हमारे कमांडर भाई, तो इनके साथ ही मैं एक आउट्रो बना लेता हूँ। तो इस वाली वीडियो में मैं स्मार्टीपाई को इस बेस पे लेके आया, आपको विलेज का टूर दे चुका हूँ और आपको बता दिया मैंने कि वो जो एयरप्लेन बेस है ना हमारे पीछे जो दिख रहा है आपको, उसका काम बाकी है तो उसको भी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे कमांडर भी मेरी मदद कर देगा उस काम में, और दो तीन विलेजर्स भी है जिनको मैं चोमू बुलाता हूँ, तो वो भी मेरी मदद कर देंगे। हाँ तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ एयरप्लेन का बेस तैयार करने, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। और नए वीडियो में आई गेस मैं घर बनाने वाला हूँ जिनके अंदर मैं सारे यूट्यूबर्स को शिफ्ट करने वाला हूँ क्योंकि बेड की बहुत कमी है जैसा कि मैंने आपको पिछले रात को बताया था। सो तब तक के लिए गुड बाय, पीस एंड लव, लाइक एंड सब्सक्राइब।